नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करुच्छे समस्त को आज एक गुरुत्वपूर्ण अपडेट को देखो तो, पंचायत पीओ को नहीं आसी जाइए गोटे बड़ अपडेट आज आपण सहित मुझे सेयार करेंगे। मुझे जानी समस्त मन में एवं प्रश्न भी उठू थी सर, जो पंचायत पीओ एक्जामिनेसन रही रिक्वायरमेंट आसी जूनियर आसीस्टेंट सहित पंचायत एक्जिक्यूटिव ऑफिसर पाखापाखि आपंकर 7348 प्लस वैकेंसी, तो से अनुसार जीआरएस कौन 30% वैकेंसी रही कि रिजर्वेशन रही कि नहीं किसी जना पड़ूना। देखो ऑलरेडी आपण सहित मुझे डिस्कसन कर सारी जीआरएस 30% रिजर्वेशन रखे बोली ऑलरेडी उच्चतम न्यायालय में मध्य कथाटा पड़ा, ओडिशा गवर्नमेंट तरफ भी सेटा संरक्षित रखे बोली जना जाइतला, किंतु कौन रही परवर्ती अवस्था रही कि नहीं केबेठ आपर शुणी ताहले केते पोस्ट रहिबो आज आपण मानक सहित मुझे डिस्कसन करी कहिबे। तेणु शेष पर्यंत निश्चय देखिबे, जदि भिडियोटी को आपण लाइक करिनांती एबे ही लाइक करंतु। प्रत्येक दिन एमिति किछि लेटेस्ट इनफॉर्मेशन आउ किछि सत्यवड़ विषय जानिया पई निश्चित चैनल को मध्य आपण सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस करिबे। हाउ हाउ भिडियोटी को तो आपण लाइक करिबे, निजर संगसाथी जेते अछंती ग्रुप मानकरे शेयर करंतु, सेमाने मध्य हेर अपडेट को जानि नियंतु, बिकॉज आगामी दिन जेहेतु आमर पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आउ जूनियर आसीस्टेंट रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा जाऊँगी ओडिशा सब स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तरफ ताहले जीआरएस रे केते वैकेंसी रहिबो कौन ना जदि आम न जानिबा तबे केमिति हो पिला माने आपण माने ही असुविधा पड़े से ही समय तो एबेठारु निजको सजग रखंतु। आसंतु प्रथमे तार नोटिफिकेशन टी को कम्प्लीटली पढ़ा, गत आपणकर मार्च मास 23 तारीख में एक न्यूज पेपर पब्लीश होता कि जीआरएस 30% पीओ पद संरक्षित रख, माने बुझंतु कौन रही ना जीआरएस 30% पीओ पद संरक्षित रख, माने जो माने जीआरएस रे चाकरी कर जूनियर आसीस्टेंट आउ सहित पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मध्य केवल पीओ पर संरक्षित रहिबो 30% को मानी जीआरएस ग्रामीण रोजगार सेवक, बुझंतु जीआरएस माने ग्रामीण रोजगार सेवक जो लोक माने बा पिला माने जीआरएस रे एबे नियुक्ति पाई काम करउछंती ओडिसा सरकारंगर ताहले से मानक 30% रिजर्वेशन रहिबो पीओ पोस्ट पे, माने जीआरएस चाहिले भी आपणकर पीओ पोस्ट रे पकई परिबे आ पीओ पोस्ट मध्ये पाई परिबे। प्रथम कथा आपणकर डाउट क्लियर हला। सेकेंड कथा केते परसेंट आपणकर रहिसि, माने 30% जो पीओ पद रहिसि तो से भितरे आपणकर कौन केमिति रहिबो जीआरएस पोस्ट पे रिजर्वेशन। आपण जानते पीओ पदवी जो रही पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 2297 गोटी पोस्ट आपंकर टोटाली वैकेंसी रही ऑल ओडिशा बेसिस रे। जूनियर आसीस्टेंट पई सिना आपंकर 4900 प्लस एबे बढ़ी तो ये आपंकर रही, किंतु पीओ पई से कही जीआरएस माने पीओ पई भी पकई पारे बोली ताले एठी कंप्लीटली बुझंतु, जो 30% पीओ पई संरक्षित रहिबो बा जीआरएस को पई संरक्षित पीओ पद रहिबो केतिक पोस्ट रे दरकार देखंतु, टोटल आपंकर 2297 रहूछ ना 2297 रहिछि माने एटा आपंकर टोटल भाबि नियंतु 23 गोली, जदि नुहे तबे देखंतु 30% माने देखंतु 30/100 इंटू जी की पीओ पोस्ट आसी जाए माने 2297 गोटे, जदि आम मोटामोटी भाव कटाकटी करवा तबे टोटाली आपणकर आसव 699.1, माने पाखापाखि 690 गोटी पोस्ट आपणकर जीआरएस एटी संरक्षित रिजर्वेशन रही, माने 2297 रु आपण 690 काटिदेवे जी बड़का पोस्ट रहा यही फ्रेशर माने जो मैंने अप्लाई करिसेंती नॉन एम्प्लॉयड पिला माने नियुक्ति से पाए। सेकेंड कथा भी आपणकर डाउट क्लियर होगा, ताहले कौन उठी यही उच्चतम न्यायालय पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्ति पई ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन को पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाई बेले यही संपर्कित अन्य एक मामलार श्रेणी कर यही नियुक्ति प्रक्रिय 30% बा 30% स्थान ग्राम रोजगार सेवक बा जीआरएस संरक्षित रखा को माने अंतरण कर निर्देश देखते उच्चतम न्यायालय। तापरे सेकंड कथा कौन आसुच्छे ना यही जो निजुक्ति सुजोग 2023 मसीह रूल अनुसार यही 30% स्थान संरक्षण रखापी अदालत अंतरीण निर्देश रे कहता बेले परवर्त शुणी एप्रिल 10 तारीख धार्य कर तो एप्रिल 10 रे भी आपंकर आप्रुव पाने आपण को भी मुझे जनईली ताले आप्रुव है जेत अच्छा ऑल ओडिशा रो माने जीआरएस पोस्ट बा आपण जो एम्प्लॉय माने
तो से चाकरिया जीआईएस चाकरी मैंने तो निश्चित से पी चाहिए पीओ जब पकई थे तो मानी रिजर्वेशन रचारपती से समय सुभाषिष तलापत्र सहित विचारपति साबित रथ को नहीं गठित खंडपीठ प्रकाश कुमार छाटोई आने पक्ष में आवेदन शुणी करते हैं मोटामोटी जब कह तेज 30% निश्चित आपंकर रो ए रिलेटेड अलरेडी नोटिफिकेशन में लिखा जाए आसतु से ही नोटिफिकेशन टी ऑफिशियल तरफ कौन रही सेटा को प्रथम आम आखिर को आने देखो प्रथम कथ आप OSSS ऑफिशियल पेज को जीवा उचित देखो वर्तमान समय आम आस पहुंची जाइए तार ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिक्वायरमेंट फेज रे जहाँकि 24 February आपंक आसी ए मुख्य फास्ट एडवर्टाइजमेंट पे परवर्त अवस्था तो आपंकर डेट चेंज होता डेट तो नुहे आपंकर वैकेंसी इनक्रीज होता तो यहाँ से ही नोटिफिकेशन ना कि आपंकर प्रथम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टाल इनफर्मेशन टे जो कमेंट रिक्वायरमेंट रोज जोनल असिस्टेंट सहित पंचायत एक्जिक्यूटिव ऑफिसर तो पंचायत एक्जिक्यूटिव ऑफिसर पर भी आपंकर किसी स्किल टेस्ट रोज माने देखो पंचायत एक्जिक्यूटिव ऑफिसर पर सरी पे कंप्यूटर बेस्रे जो टेस्ट आपंकर रही केवल आपंकर जूनियर आसीस्टाट रु पंचायत एक्जिक्यूटिव ऑफिसर पर कि भी नुहे बिकज 21 वर्ष 38 वर्ष पे पकई तो से भितर प्लस 3 पास आउट होता किसी आर्ट्स कमर्स साइंस पे तार इक्विवेलेंट अंडर में पकई जदि आम पंचायत एक्जिक्यूटिव ऑफिसर रे जो 30% जीआरएस रिजर्वेशन रही आम से देखा देखो डायरेक्टली आप अप्लाई प्रोसेस को जीवे तो से किसी इनफर्मेशन आपको मिलजिव नजर पकात पे ये रही प्लानिंग ऑफ द एग्जामिनेशन देखो प्लानिंग ऑफ एग्जामिनेशन 180 मार्क सहित 180 क्वेश्चन थी तो कमेंट रिक्वायरमेंट नेगेटिव मार्किंग रही है तेल एटी गोटे कथ नजर पकात जो ग्राम्य रोजगार सेवक रही जीआरएस पोस्ट गुड़िकपी आपंकर एक्सट्रा वन मार्क रखा बिकज कौन देखो लिखा जा रिटर्न टेस्ट द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क फॉर द एसटी एससी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन स्पोर्ट्समैन कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट शाल बी 30% एंड द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क फॉर द कैंडिडेट्स अदर देन एसटी एससी पीडब्ल्यूडी सर्विसमैन स्पोर्ट्स पर्सन कैटेगरी शाल बी 35% देखु जो 35% रही यहीटा केवल आपंकर एसटी सहित एससी पीडब्ल्यूडी सर्विसमैन स्पोर्ट्समैन कैटेगरी अनुसार ही रहिबो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क तो ए मध्यरे द ग्राम रोजगार सेवक शाल बी अलॉटेड बा अलाउड 1% एक्स्ट्रा मार्क ऑफ द टोटल मार्क ऑफ द रिटर्न टेस्ट फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ द कंटिन्यूअस सर्विसेस प्रोजेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ द 15% देखो कौन लिखा जाए ना जदि से मार्क सिक्योर करती 45% मानि नियंतु जदि 45% टोटल मार्क रु से आणती जीआरएस एम्प्लॉय माने कथा को शुणु जीआरएस एम्प्लॉय माने जदि 45% आणबे एग्जाम रे रिटर्न एग्जामिनेशन रे तांकु आउ 1% एक्स्ट्रा मिलिबो माने 45 बदल रे 46% आपको दिया जीवो तो 46% तो आपंकर 1% अधिका ही गला माने 18 मार्क आपंक बढ़ला देखु 180 रही टोटल मार्क 180 रे 1% आपंकर 18 मार्क माने यही 18 मार्क मध्य आपणकर जो 45 मार्क आसी सॉरी 45% तो 45% आपंकर 46 ही गला तो ये आपंकर मानि नियंतु ये कहे अनऑफिशियली तो ए मध्य भी आपको दिजिव तो बुझीगले जीआरएस मानक प्रायोरीटी दि जाऊँगी बिकज कौन प्रायोरीटी दि जाऊँगी से मैंने अलरेडी गोटे सरकारी कार्य न्यस्त अच्छा तो अलरेडी से मैं प्रिपेरेसन ही निजक से दायित्व भाव ग्रहण करशा गवर्नमेंट तरफ तो से किसी रिजर्वेशन रन मार्क 1% आपंकर एक्सट्रा मार्क दिजिव तो सिलेबस अलग अलग रही तो से अनुसार निजक प्रिपेरेसन निजक करूँ जल्दी आउ जो पिलाने आउ गोटे इनफर्मेशन आपण सहित मुझे भूल हो जाए तो से मत क्षमा करेंगे बिकज अलरेडी आपको मुझे कि पंचायत एक्जिक्यूटिव ऑफिसर सहित जूनियर असिस्टेंट बोथ पे किसी प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट तो एलिजिबल रही है दिजन जाक देखु जदि आम कह तेब को लिखा जा जूनियर आसीस्टाट केवल कंप्यूटर स्किल टेस्ट रु पंचायत एक्जिक्यूटिव ऑफिसर पर किसी भी कंप्यूटर स्किल टेस्ट ना पे तो निजक टी सुधारी निदी आपण सहित किसी भूलभाल हो जाए मतलब क्षमा करेंगे तो देखो पुणी थर आपर बिकज आपंकर पंचायत एक्जिक्यूटिव ऑफिसर पर प्लस टू पास कर पे आपड़ एलिजिबल रही से आपंकर एज लिमिट 21 वर्ष रु 38 पर्यंत एटी रखा जाए माने डेट ऑफ रिकॉग्नाइज जदि कह तेज देखु आपंकर डेट ऑफ बर्थ अनुसार ये एलिजिबल रही जहाँ को 1/1/2023 सुधा 21 वर्ष हो पीओ पर आप्लाय कर
तो आज इनफर्मेसन टी जहाँ जना पड़ा कि आप समस्त किसी गुरुत्वपूर्ण होश्चित निज सांगसाथी सहित सेयर करेंगे बिकज यहीटा समस्त गोटे इंपोर्टाट रो जो वैकेंसी विषय आपण सहित मुझे आलोचना करी ये 2297 हो कि 23 पाखापाखि पोस्ट भितर 30% आपंकर पाखापाखि 690 पाखापाखि पोस्ट आपंकर जीआरएस रिजर्वेशन र कंप्लीटली आपंट गोटे इंपोर्टाट अपडेट आशा करी आपण काम आसो जगन्नाथ करूँ आपण प्रिपेरेसन मत बहुत ही भल वे हो निश्चित आपड़ सर्टलिस्टेड हूँ एति सब भगवान निकट में प्रार्थना मुझे करी आपण भी चेषा करूँ प्राणी प्राणी जमीती यर्ष आपणकर से लिस्ट ना आस पाने गुरुत्वपूर्ण टॉपिक रो इनफॉरमेशन वीडियो पाया निश्चित आम चैनल सहित आप अपडेट रुंतु से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को इमीडिएटली प्रेस कर रखु आवा पूर्व आम टेलीग्राम में जॉइन हो जाए यही वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक रही है। जय जगन्नाथ।